आशा वर्कर के लिए खुशखबरी निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको पूरी खबर देने वाले हैं। क्या है पूरी खबर? इसमें देखिए दोस्तों, आशा वर्कर का जो मानदेय है ना, उसको बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। 10,000 रुपए किए जाने का प्रस्ताव है। क्या है पूरी खबर, हम आपको पूरी खबर बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पूरी खबर क्या है ध्यान से देखिए। तेजस्वी ने अपने पत्र में लिखा है कि ग्रामीण एवं शहरी आशा को विगत 6 वर्ष में भुगतान राशि 2,000 रुपए, इसमें बढ़ोतरी अपेक्षित। इसी तरह आशा फैसिलेटर को 20 आशा के सहायक पर्यवेक्षकों के लिए 300 रुपए प्रति भ्रमण दिवस की दर से 20 दिनों के लिए 6,000 रुपए दिए जाते हैं। इसे 2024 और 25 में 10,000 रुपए किए जाने का प्रस्ताव है। देखिए दोस्तों, खुशखबरी आपका जो 10,000 रुपए आपको देने का प्रस्ताव रखा गया है, इसमें पूरी खबर क्या है। देखिए दोस्तों, पत्र में आगे लिखा है कि परिवार नियोजक कार्यक्रम के तहत IUCD लगाने के लिए महिलाओं को उत्प्रेरित करने पर आशाकर्ताओं को कोई भी राशि नहीं मिलती है। अगर आशा कार्यकर्ता को प्रति लाभार्थी 100 रुपए का भुगतान किया जाए तो कवरेज में बढ़ोतरी हो सकती है। मर्द स्वास्थ्य के लिए 9 महीने तक एक गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए आशा को 2013 से प्रति लाभार्थी 600 रुपए ही मिल रहा है। शहरी क्षेत्र में 400 रुपए ही है। इसीलिए जो है आपका ये CM तेजस्वी यादव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र, इसीलिए लिखा गया है ताकि आपकी बढ़ोतरी की जाए मानदेय में। तो आगे हम वीडियो में बताएंगे क्या बढ़ोतरी हो गई है या फिर नहीं हो गई है, क्या इसका रिजल्ट आया है या नहीं आया है। तब तक आप चैनल से जुड़े रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।